हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर। तो आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूँ ये बोट स्टॉर्म ग्रेनाइट स्पीकर का। तो देखेंगे कैसा है ये स्पीकर, कि आपको इसे लेना चाहिए या नहीं। ये 1200 के प्राइस रेंज में आ जाता है, तो उस प्राइस रेंज में ये वर्थ है या नहीं। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ बोट लिखा है, इस बूमबैस्टिकल वगैरह लिखा है, यहाँ पे उसकी एक्चुअल इमेज देखने को मिलती है, स्टोन लिखा है और यहाँ पे ग्रेनाइट उसका नाम लिखा है। 5 वॉट का इसमें सिंगल स्पीकर है, IPX6 वाटर एंड शॉक रेजिस्टेंस है, रगेड डिजाइन है, बोट का लोगो है। उसके बाद इसमें 1200 mAh की बैटरी है, अप टू 7 आवर्स का प्लेबैक है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट वगैरह, स्टाइलिश रगेड डिजाइन ऐसा लिखा है, बोट लिखा है। यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दिए, नीचे भी बहुत से इन्फॉर्मेशन दिए, तो अभी डायरेक्टली हम इसे अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले अभी ये स्पीकर मिल जाता है, ये ब्लैक कलर में है जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक माइक्रो USB केबल मिलती है गाइस। ये एक थोड़ी बुरी बात है कि इसमें माइक्रो USB केबल मिलती है, टाइप सी रहती तो अच्छा रहता है। एक ऑक्स टू ऑक्स केबल मिलती है जिसकी भी लेंथ ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं काम चल जाएगा। उसके बाद इसमें एक आप बोल सकते हैं कि यूज़र मैनुअल बोल सकते हैं, कुछ ऐसा सा मिलता है जिसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स की फ़ोटो वगैरह लगी है, जैसा कि बोट के जनरली हर प्रोडक्ट में रहता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंसुलेशन है, यानी स्पीकर डैमेज नहीं होगा। तो डायरेक्टली स्पीकर के ऊपर आते हैं, तो आपको स्पीकर जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे ग्रे फिनिश दिए, यहाँ पे ब्लैक दिए, यहाँ पे इसके सारे बटन्स है, यहाँ पे एक डिज़ाइन दिया है, प्लास्टिक बिल्ट में आता है पूरा, और यहाँ पे एक हुक दिए इसे कैरी करने के लिए। तो इसकी फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, प्ले पॉज बटन है, वॉल्यूम अप डाउन का बटन है। यहाँ पे पूरी मेज दिए जो काफ़ी अच्छा लगता है फील करने में। यहाँ पे ऐसे स्टैंड है, आप रखेंगे तो ये वाइब्रेट वगैरह करता नहीं है ज़्यादा, मतलब जब बेस बजता है तब स्पेशली। उसके बाद यहाँ पे एक कंपार्टमेंट दिया, इसका IO कंपार्टमेंट है, उस पर ये एक ऐसा रबर की पैडिंग दी है, ये आपको रखने में भी ऐसे काम आएगा। उसके साथ साथ ये IPX6 जो वाटर रेटिंग है उसमें भी काम करता है। यहाँ पे मॉडल नंबर नाम लिखा है इसका, बोट स्टॉर्म ग्रेनाइट करके। पावर आउटपुट 5 वॉट DC, मतलब इसको चार्ज, और IPX6 रेटेड वगैरह लिखा है। इसे मैं खोल के दिखा देता हूँ, देख सकते हैं माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन है, ऑक्स का है, और एक चार्जिंग का ऑप्शन दिया है। तो अभी मैं इसे डायरेक्टली ऑन करके आपको इसको एक बार सुना देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है। पावर ऑन, यू've plugged into Nirvana। तो देख सकते हैं आप, ये स्पीकर भी टर्न ऑन हो चुका है और ये पेयरिंग मोड में आ चुका है। अब मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। इसमें जो ब्लूटूथ मिलता है वो आपको 4.2 मिलता है, मतलब थोड़ा ओल्डर वर्जन है। उसी के साथ साथ इसमें आपको 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम कंपनी क्लेम करती है, पर आपको 5 से 6 आवर्स का आराम से मिल जाएगा। देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। इसमें फ़ोन कॉल का भी ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें इनबिल्ट माइक भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ आप यहाँ अपनी बैटरी परसेंटेज भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एक कॉलिंग टेस्ट भी आगे करके दिखा दूंगा। तो अभी मैं आपको इसमें एक म्यूज़िक प्ले करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका वॉल्यूम फुल कर देता हूँ, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो अभी इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम पे अभी मैं साउंड प्ले करता हूँ। एक साउंड क्वालिटी सुनी होगी, तो मैंने अलग अलग पोजीशन में माइक भी रखा था और अलग अलग पोजीशन में स्पीकर को भी रखा था, कि अगर आप ऐसे रखेंगे तो कैसा आउटपुट मिलेगा और ऐसे रखेंगे तो कैसा आउटपुट मिलेगा। तो मैंने इस पर काफ़ी सारे सॉन्ग सुने हैं जिसमें हाई बास रहता है या जिसमें हाई ट्रिबल्स रहते हैं, दोनों टाइप के सुने हैं। तो इसका बास भी मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा है जिस प्राइस पॉइंट में आता है, और इसके ट्रिबल्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर आप फुल वॉल्यूम भी कर देते तो इसमें मुझे अब तक डिस्टॉर्शन ऐसा ज़्यादा फील नहीं हुआ है, एकदम माइन्यूट सा लगे लग सकता है आपको अगर आपने बहुत ऐसे हाई एंड वाले स्पीकर सुन रखे हैं तो। पर मुझे तो इतना इसमें डिस्टॉर्शन फील नहीं हुआ है। अगर आप इसे लेना चाहें तो आप डेफिनेटली इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी एक कॉलिंग टेस्ट भी करके दिखा। तो यहाँ पे अभी मैं इस स्पीकर से अपने दोस्त को कॉल लगाता हूँ,
और उसको पूछता हूँ कि कैसे उसको इसकी कॉल क्वालिटी लगती है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे गूगल डायलर है, तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग उसको भी पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा। तो दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। यहाँ मैंने कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। हेलो हेलो, तो मैं यहाँ पे एक बोस्टोन ग्रेनाइट नाम का स्पीकर है उससे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आपको अभी मेरी कॉल क्वालिटी कैसे लग रही है? तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आपकी आवाज क्लियर आ रही है, क्या बोल रहे हो सब समझ रहे हैं? हाँ, बस आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, तो समझ रहे आप क्या बोल रहे। और अभी मेरी आवाज कैसे आ रही है? अभी आवाज अच्छी आ रही है। और अभी आवाज क्या कम हो गई है? आवाज कम हो गई है अभी। अच्छा, मतलब पर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ये समझ रहा है? हाँ, मतलब आवाज कम है, थोड़ी कम है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। कॉल रिकॉर्डिंग हैज नाउ एंडेड। तो जैसे आपने देखा कि मैंने अपने दोस्त को यहाँ पे कॉल लगाया और उसका बोलना है कि मेरी जो आवाज है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है, बस कम आ रही है थोड़ी। जैसे अगर मैंने देखा कि यहाँ पे आप अगर स्पीकर को पकड़ते हैं तो आवाज़ कम जाती है, और यहाँ पकड़ते हैं तो अच्छी जाती है। तो अगर जैसे आप म्यूजिक सुन रहे हैं, अगर आपको कॉल आता है और आपको स्पीकर से अटेंड करना है तो आप पास में लेके बात करेंगे तो माइक क्वालिटी उसको भी अच्छी जाएंगी, और मेरे को भी जो कॉल आया था मतलब सामने वाले की जो आवाज़ आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सुनाई दे रही थी इसमें। तो अगर आप इसे कॉलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा अभी फाइनल कंक्लूजन क्या है इस स्पीकर के ऊपर, ये जो स्पीकर है काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस में आता है, 5 वॉट्स का स्पीकर है। और आपने इसकी साउंड क्वालिटी और कॉल क्वालिटी सुनी, मुझे इसकी दोनों क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी जिस प्राइस में आता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा प्लास्टिक है, इमेज भी अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आप इसे ले सकते हैं, मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। ऑल ओवर जिस प्राइस रेंज में आता है, जो स्पेसिफिकेशंस ये देता है, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पीकर लगा है मुझे, वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप चाहें तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, और अमेज़न फ्लिपकार्ट पे अगर सेल लगती है तो ये कभी कभी और नीचे चला जाता है, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपको इसे ख़रीदना है तो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, मेरे चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब कर देना, किसी आपको दोस्त को अगर ख़रीदना हो तो उसे वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।